नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। मैं रेनू वैद आपको कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान को पढ़ा रही हूँ। राजनीति विज्ञान में जो संविधान वाला पोर्शन है उसमें हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार। मैंने पिछले वीडियो में आपको मौलिक अधिकारों की आवश्यकता और महत्व के बारे में बताया था। उसके बाद में मैंने बताया था बच्चों कि मौलिक अधिकारों की जो संख्या है बच्चों वो 6 है। कितना है? मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। इतनी थी 7 जो मौलिक अधिकार थे। जबकि वर्तमान संविधान की अगर हम बात करें बच्चों, तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। हमारे भारत में 44वां संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन हुआ बच्चों? 44वां संशोधन हुआ 1978, जो 79 में पारित हुआ। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी धारा 300A में जोड़ दिया गया। 44वें संशोधन के बाद मौलिक अधिकारों की संख्या रह गई 6। हमने 6 मौलिक अधिकारों में के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था बच्चों। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है बच्चों वो है समानता का अधिकार। कौन सा है बच्चों? समानता का अधिकार। ये पहला मौलिक कर्तव्य है, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार से पहले भी आपको बच्चों एक चीज पता होनी चाहिए कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख है वो 12 से 35 तक है। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। क्या है बच्चों? राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। और अनुच्छेद 13 की अगर हम बात करें बच्चों, तो अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है विधि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की बात कही गई है। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन। और ये भी कहा गया है कि संसद जो भी विधि बनाती है उसमें किसी भी प्रकार की विधि बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अब ये 12 अनुच्छेद 12 हो गया, अनुच्छेद 13 हो गया। अब बात आती है समानता के अधिकार की। समानता के अधिकार का उल्लेख बच्चों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख है। समानता के अधिकार के 4 अनुच्छेद हैं। देखो बच्चों, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। कितने अनुच्छेदों में? 5 अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। अब बात आती है अनुच्छेदों में है क्या। तो अनुच्छेद 14 कहता है कानून, इनको साथ में लिखते हैं ना, कानून के समक्ष समानता। ये बात हमने ली ब्रिटेन से। कहां से ली बच्चों? ब्रिटेन से ली। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि कानून के समक्ष हर बच्चा समान है, कोई बच्चा एक दूसरे, कानून के दृष्टिकोण में सभी व्यक्ति समान है, किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के दृष्टिकोण में भेदभाव नहीं किया जा सकता, कानून सभी को एक समान दृष्टिकोण उपलब्ध करवाएगा, कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति एक समान होंगे। का मतलब यहाँ पर यह भी है कानून का जो समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 कहता है जन्म, लिंग, नस्ल, रंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थल पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये अनुच्छेद 15 कहता है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में समानता।
सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा जो भी नौकरियों के अवसर निकाले जाते हैं, उन सब में समानता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 17 जो कहता है बच्चों, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं किया जा सकता, सार्वजनिक स्थल पर किसी भी व्यक्ति के साथ मंदिर प्रवेश से वर्जित नहीं किया जा सकता या किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जा सकता, और अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया 1955 में। अनुच्छेद 18 है बच्चों उपाधियों का शिक्षा व सेना को छोड़कर। देखो बच्चों, अनुच्छेद 14 से 18 आपका समानता के अधिकार का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के दृष्टिकोण में सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ असमानता या भेदभाव नहीं किया जा सकता। कानून की दृष्टिकोण में सभी व्यक्ति समान होंगे, कोई व्यक्ति गरीब है तो इस आधार पर उसको अलग नहीं समझा जाएगा या अमीर और गरीब के बीच कानून भेदभाव नहीं करेगा। ये है आपका अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 कहता है कि सार्वजनिक जन्म, लिंग, नस्ल और रंग के आधार पर किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन 15(3) अनुच्छेद 15(3) कहता है कि अगर सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से अगर कोई बालक व महिला पिछड़ी हुई है तो उनके लिए अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। मान लो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से बालकों और महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है तो उनके लिए विशेष अवसर, सरकार द्वारा उनके लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। ये 15(3) कहता है। और 15(4) ये कहता है कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं जो सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है उनको विशेष सुविधाएं प्रदान की जा सकती है, बाकी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो आपने देखा ये 4-2 अनुबंध बाद में जोड़ करके इस बात की व्यवस्था की गई क्या कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से अगर कोई महिला व बालक पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए विशेष अवसर प्रदान किए जा सकते हैं या विशेष सुविधाएं उनको प्रदान की जा सकती है, और जो पिछड़ी हुई जातियां हैं जो सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई है उनको विशेष सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जा सकती है। यह अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है बच्चों की लोक नियोजन में सरकारी अवसरों में सरकार द्वारा समानता का व्यवहार किया जाएगा, किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण का प्रावधान किया गया है और 95वां संविधान संशोधन, 95वां संशोधन के तहत इसको 2020 तक बढ़ा दिया गया था। 95वें संविधान संशोधन के तहत आरक्षण को 2020 तक बढ़ा दिया गया था। तो ये आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16(4) में किया हुआ है। उसके बाद आता है बच्चों अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। इसको निरपेक्ष अधिकार माना जाता है। कौन सा अधिकार? निरपेक्ष अधिकार, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई निर्बंधन नहीं लगा हुआ, ये ऐसा अधिकार है अनुच्छेद 17। और ये अनुच्छेद 17 है व्यक्ति का
व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार, व्यक्ति का व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार है। कौन सा? अनुच्छेद 17। क्योंकि व्यक्ति ही व्यक्ति के साथ संघर्ष कर रहा है, उसके साथ छुआछूत कर रहा है, तो यहाँ पर व्यक्ति का व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार माना जाता है अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए अधिनियम भी 1955 में बनाया गया था। उसके बाद आता है बच्चों अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में शिक्षा व सेना को छोड़कर सभी उपाधियों का अंत किया गया है और कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या भारत का नागरिक राष्ट्रपति की बिना अनुमति के विदेश से भी क्या नहीं कर सकता, उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के उपाधि धारण नहीं कर सकता है। तो आजादी से पहले जितनी भी उपाधियां थी उन सभी उपाधियों का इस अनुच्छेद 18 में अंत कर दिया गया है। और इसी के तहत आप सबको पता होना चाहिए भारत रत्न अवार्ड जो दिया जाता था उस पर भी उंगली उठाई गई थी, लेकिन बाद में जाकर के इसको रखा गया और आज भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 अधिकार आते हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 जन्म लिंग नस्ल और रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में सरकार सभी के साथ समानता का व्यवहार करेगी, सबको समान अवसर उपलब्ध करवाएगी, शैक्षणिक क्षेत्र में सभी को समान सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, व्यक्ति का व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार है और इसके लिए 1955 में कानून बना। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है कि शिक्षा व सेना को छोड़कर सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो आपने बच्चों सबसे पहले समानता का अधिकार पढ़ा, जो पहला अधिकार था बच्चों। अब आप इसको कॉपी में, जब भी मैं लिखवा रही हूँ उसको कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, जैसे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ इन शॉर्ट नोट्स को लिखते जाइए। एग्जाम के दृष्टिकोण से और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के साथ साथ कंपटीशन क्लास के बच्चों के लिए भी मौलिक अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप नीट का एग्जाम दे लो, चाहे कोई भी एनी एग्जाम कॉम्पिटिशन, SSC है, SSC के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस का मौलिक अधिकार वाला टॉपिक सब में आता है। चाहे आप नीट का एग्जाम ले लो, CTET का एग्जाम ले लो, सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोणों से मौलिक अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उस वीडियो में जो भी मैं आपको बोर्ड पर लिखवा रही हूँ उसको शॉर्ट नोट्स में लिखते जाइए, समझते जाइए और पूरे वीडियो को देखते रहिए। आगे देखिए बच्चों, दूसरा अधिकार आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था बच्चों कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक जिसका उल्लेख मिलता है बच्चों वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें बच्चों तो स्वतंत्रता के अधिकार के चारों अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपके उसमें 4 जो है अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। समानता के अधिकार में कितने थे? 4। स्वतंत्रता का जो आपका अधिकार है उसमें आपके अनुच्छेद आएंगे बच्चों 4। कितने आएंगे? 4 अनुच्छेद आएंगे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। 4 अनुच्छेद है, पहला है आपका अनुच्छेद 19। कौन सा है? अनुच्छेद 19। दूसरा है आपका अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। इनमें है क्या? इनमें
है क्या वो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 21, 20, 22 और 19 में क्या है। स्वतंत्रता का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक देखने को मिलता है। देखो बच्चे, अनुच्छेद 19 में क्या है, 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं बच्चों। 7 प्रकार की स्वतंत्रता 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19G। कितनी हो गई? अब बच गई है 6 प्रकार की। एक जो स्वतंत्रता थी संपत्ति 19F में, उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। 19A का मतलब है विचार व अभिव्यक्ति, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा 19B में है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार का सम्मेलन कर सकते हो, इसके अलावा सभा कर सकते हो, कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हो, निवास कर सकते हो और व्यवसाय कर सकते हो। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपके दी हुई है। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है हर भारतीय नागरिक को अधिकार है कि वो अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और आप जानते भी होंगे कि एक जो संसद भवन में सांसद बैठता है MP, और आपके विधानसभा में जो विधायक बोलता है, में को भी बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। उनको बोलने की स्वतंत्रता से कोई भी बाधित नहीं कर सकता, उन पर इस आधार पर किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं लगाया जा सकता। तो दूसरा अधिकार है आपको बच्चों अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, एक स्वतंत्रता हटा दी गई संपत्ति वाली। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता बच गई है। पहली है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको बोलने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का, अपने भावों को पब्लिश करने का पूरी तरीके से अधिकार है। फिर आता है किसी भी समय किसी भी प्रकार के सम्मेलन का आयोजन आप कर सकते हो, बरसते वो सम्मेलन धार्मिक कट्टरवाद को प्रोत्साहन न दे, लोक व्यवस्था के हिसाब से सही हो, देश की एकता और अखंडता में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट पैदा ना करे, तो आप क्या कर सकते हैं, सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, किसी भी स्थान का भ्रमण कर सकते हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है इस पर, किसी भी प्रकार की आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं। अभी बीच में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके आप संपूर्ण देश में भ्रमण कर सकते हैं, कहीं पर भी आप निवास कर सकते हैं और किसी भी व्यवसाय को चुन सकते हैं, ये आप कहीं पर भी जाकर के व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। ये आपको क्या है, स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अब आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध, अपराधी संबंधी, अपराधी संबंधी स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता, प्राण व देहिक स्वतंत्रता, ठीक है। और अनुच्छेद 22 में आपको देखने को मिलेगा क्या, गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ये आपके 4 अनुच्छेद है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता मैंने आपको बता दी, अनुच्छेद 20 है अपराध संबंधी। आप सब जानते हो बच्चों, किसी भी व्यक्ति को अगर अपराधी बनाया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के माध्यम से बताया गया है कि उसको
क्या करना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में उपस्थित करना पड़ेगा। और इसके अलावा अपराधी को गवाही गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके अलावा निवारक निरोध लगाया हुआ है इसमें। इसमें कहा गया है कि अगर किसी बच्चे को गिरफ्तार किया गया है बिना किसी गवाह के या बिना किसी कारण के गवाह किया गया है, तो निवारक निरोध के अंतर्गत उस व्यक्ति को केवल एक शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके लिए कई अधिनियम आए, आतंकवाद अधिनियम आया कि कोई व्यक्ति गलत हरकतें कर रहा है, तस्करी करने वाला है या कोई गलत कार्य करने वाला है, उससे पहले ही व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये अपराध संबंधी स्वतंत्रता ये है, किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, अपने जीवन की सुरक्षा करने का हर व्यक्ति को अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। ये हमारी स्वतंत्रता आपको पता भी होनी चाहिए। ये हमारी प्रस्तावना में भी इस बात को बताया गया है कि हर इंसान को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, निजता का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार। मोनिका गांधी बनाम कई स्वतंत्रताएं जो है इसके अंतर्गत दी हुई है। और इसी अनुच्छेद 21 में एक और अधिकार जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 21 ए संविधान संशोधन 86/2002, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार भी इसके अंतर्गत जोड़ दिया गया। तो कई ऐसे अधिकारों को अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 21 बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं आगे के वीडियोस में आपको इसकी बहुत बड़ी डिटेल्स बताऊंगी। उसके बाद आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। मतलब यहाँ पर है कि जो इंसान गिरफ्तार हुआ है उसको कई प्रकार के संरक्षण दिए हुए हैं, ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता, 20 अपराधी संबंधी संरक्षण कर सकते हैं, अपराधी संबंधी संरक्षण, 21 में प्राण व देही स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इस प्रकार ये हो जाता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के बाद एक छोटा सा अधिकार और है बच्चों, तीसरा अधिकार जो जिसको बोलते हैं हम, कौन सा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख दो ही अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो तीसरा जो अधिकार है बच्चों वो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में देखने को मिलता है बच्चों। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है बच्चों, देखो अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 में है बलात्श्रम और अनुच्छेद 24 में है बाल श्रम। अनुच्छेद 23 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति के साथ बला जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, किसी भी व्यक्ति का क्या नहीं किया जा सकता, व्यापार नहीं किया जा सकता, क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। इसमें ये कहा गया है, पहले आपको पता है बंधुआ मजदूरी चलती थी, काम करवाते थे उसके बदले में मजदूरी नहीं देना, बंधुआ मजदूरी जो थी उसको समाप्त कर दिया गया, किसके तहत, अनुच्छेद 23 के तहत। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के दो पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, कौन कौन से, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम की बात कही गई है, बलात्श्रम, और आपके अनुच्छेद 24 में है बाल श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के साथ
किसी भी अघरेलू कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। और 2004 में बाल श्रम अधिनियम आया, उस अधिनियम के तहत भी कहा गया कि किसी भी ढाबे, रेस्तरां, होटल, कारखाने जैसे कार्यों में भी बालकों को नहीं लगाया जाना चाहिए। तो बालकों की सुरक्षा करता है आपका अनुच्छेद 24 और सभी व्यक्तियों को बंधुआ मजदूरी से निपटारा और क्रय विक्रय करने से निजात दिलाता है आपका अनुच्छेद 23। बाकी के अधिकार हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आपको समझ में आया होगा। आज मैंने 3 अधिकारों के बारे में आपको बताया, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक बार बुक में जरूर पढ़े, इसकी डिटेल्स देखे और मैंने जो आपको बोर्ड पर समझाया है उस वीडियो को ध्यान से सुने, समझे और बुक की सहायता ले। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे मैं आगे के वीडियोस में आपको बताती रहूंगी। और आप चाहते हैं कि मैं रेनु वैद आपको राजनीति विज्ञान कक्षा 12th के सभी टॉपिक्स को क्लियर करवाऊं, तो आप ज्यादा से ज्यादा नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए। जितने ज्यादा हो सके इस वीडियोस पर कमेंट्स दीजिए ताकि मैं आगे के वीडियोस को बनाती रहूं और आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाती रहूं। धन्यवाद।